कई बार बच्चे टेढ़े मेढ़े पैरों के साथ जन्म लेते हैं और सही इलाज के अभाव में उम्र भर विकलांगता के शिकार रहते हैं। ऐसे बच्चों के पैर ठीक करने के लिए अब तक की जो चिकित्सा विधि है वो ऑपरेशन या प्लास्टर रही है। ऑपरेशन भी कई बार करने की नौबत आती है। दूसरी तरफ हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शत्रुधन राम ने राजधानी में इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की ओर से आयोजित संगोष्ठी में दावा किया कि उन्होंने जिस राम टेपिंग तकनीक की खोज 22 वर्षों के प्रयोग के बाद की उससे महज 6 टेपिंग करके 6 सप्ताह में पैर को सीधा किया जा सकता है। उनके इस शोध को ब्रिटेन के जर्नल में भी जगह मिली। राम टेपिंग की खासियत यह है कि बिना प्लास्टर और बिना ऑपरेशन का 99% और यू कैन से 100% फुल करेक्शन होता है और इसमें कंबर्सन भी कम से कम है, इसलिए कि प्लास्टर तो हुआ नहीं, ऑपरेशन भी नहीं हुआ। इस मौके पर सूबे के कई जाने माने शिशु रोग विशेषज्ञ उपस्थित हुए। वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर उत्पल कांत और डॉक्टर निगम प्रकाश ने इस तकनीक को सस्ता और बेहतर इलाज की दिशा में बड़ी खोज कहा। आज हम बहुत नया चीज जाने कि टेपिंग करके, सिर्फ सिंपल टेपिंग करके डॉक्टर शत्रुघ्न राम इतना अच्छा काम कर रहे हैं और इंडिया में ही नहीं, अब इंग्लैंड में और अमेरिका में भी इसको एक्सेप्ट किया गया। ये बहुत ही नोवल आइडिया है और बहुत ही एक रिसर्च का ये बहुत परिणाम है जो डॉक्टर राम ने दिया है पूरे वर्ल्ड को। इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स बिहार ब्रांच के सचिव ने बताया कि इस संगोष्ठी से न सिर्फ डॉक्टरों को लाभ होगा बल्कि वैसे बच्चों को लाभ होगा जिनके पैर जन्मजात टेढ़े मेढ़े हैं। इस मेथड से बच्चों को बहुत फायदा होगा और हम समझते हैं कि पूरे बिहार के सूबे में जितने भी ऐसे बच्चे होते हैं उनको बिना सर्जरी के, बिना कोई प्लास्टर लगे करेक्शन हो जाए तो इससे सारे बच्चों को बहुत लाभ पहुंचेगा। इस खोज का फायदा मरीजों को तभी होगा जब जन्म से 3 माह के अंदर बच्चों का इलाज राम टेपिंग तकनीक से हो। इससे बच्चों को ऑपरेशन से भी बचाया जा सकता है और पैर भी सीधे हो सकते हैं। बड़ी बात यह कि बिहार के एक डॉक्टर की खोज को ब्रिटिश जर्नल में जगह मिली। कैमरामैन हसन साहिद के साथ प्रणय प्रियमवत, आर्यन न्यूज़, पटना।